नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। आगर जिले के कानड़ में वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष रियाज लाहौरी, वक्फ बोर्ड जिला सचिव सोनू खान द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बोर्ड के रियाज लाहौरी सोनू खान का स्वागत किया गया। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा बताया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको हटाया जाए। वहीं वक्फ बोर्ड की भूमि कब्रिस्तान कहीं जगह खुली पड़ी है, उस पर भी बाउंड्री को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष रियाज लाहौरी को ज्ञापन सौंपा। वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष रियाज लाहौरी द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा प्रस्ताव बनाकर भोपाल वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश को भेजा जाएगा। भोपाल से जैसे ही आदेश पारित होता है, अवैध कब्जाधारियों को हटाकर एवं जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। वहीं खुली पड़ी भूमि बाउंड्री फ्री की जाएगी। इस दौरान नगर के मुस्लिम समाज दो जनों द्वारा बोर्ड के आगर जिला अध्यक्ष रियाज लाहौरी, वक्फ जिला बोर्ड सचिव सोनू खान, रशीद खान, पठान सिद्दीकी खा, शीश कर, महबूब खा, मुश्ताक खा, रईस खा, इलियास खा, सद्दू खा, रशीद खा, इमरान खा उपस्थित थे। आज मेरे द्वारा कानड़ की वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया गया है। कानड़ का कब्रिस्तान का भी निरीक्षण किया गया है, ईदगाह का निरीक्षण किया गया है, दाता पहलवान शाह मुबारक सैयद की दरगाह का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। समाजन ने उपस्थित होकर मुझे जानकारी बताया कि वक्फ संपत्ति पर काफ़ी लोगों के अवैध कब्जे हैं, जिनको हटाने के लिए मैं बोर्ड को प्रस्ताव भेज रहा हूँ। वहाँ से जैसे ही मंजूरी आ जाती है कलेक्टर साहब के नाम, तत्काल उसको शासन प्रशासन की मदद लेकर अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की काफ़ी संपत्ति कानड़ के अंदर है, उसकी भी लीज काफ़ी समय से नहीं हो रही है। वक्फ संपत्ति की हमको लीज करना है, वक्फ बोर्ड को राशि जमा करवाना है उसको लेकर, और कई लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध दुकानें बना ली हैं, उसको भी हटाने की जल्द कार्रवाई की जाएगी। एक बार पूर्व में भी हम यहाँ पे निरीक्षण कर चुके हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ साहब जो अपने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से भोपाल से आए थे, और हम लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि साहब वक्फ संपत्ति पर अवैध दुकानें लोग बनाकर काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसको तोड़ने के लिए वक्फ बोर्ड से चिट्ठी जारी हो चुकी है और बहुत जल्द उसको डिसमेंटल की कार्रवाई शासन प्रशासन की मदद से की जाएगी। अच्छा, जिस लोगों ने जैसे दरगाह के नाम की जमीन है, कई लोगों ने दबा रखी है, या उस पर क्या कार्रवाई करें? जिन लोगों ने दरगाह की, मस्जिद की, ईदगाह की या वक्फ संपत्ति दबा रखी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। 54 के तहत कार्रवाई की जाएगी, धारा 54 में उन पर कार्रवाई होगी और अवैध कब्जे उनके हटाए जाएंगे। आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।